रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। Hello everyone, this is Mohammad Ubaidullah Shamsi and you are watching Khas Mulaqat on News 21. Today I am on a trip to Tisi block of Kredi district and I am right now in Barwadi village panchayat of Tisi block. Beside me is the Mukhya representative of Barwadi panchayat. He is Mr. Bal Govind Batha. His wife presently is the Mukhya of this panchayat, Suma Devi ji. Today I am on a trip to this beautiful panchayat of Tisi block and I am in this panchayat for about some hours and I have met too many of panchayat people. I have talked to them and I have collected the valuable remarks and comments about the work and dedication of the Mukhya representative of this particular panchayat of Tisi block. Mr. Bal Govind Batha is a very prominent and active public representative on the ground of his work and smartness. He is very, very famous in all of our panchayat, among the panchayat people. Today I am to talk to him and through him I am going to collect the information regarding the work and education of the Mukhya of this panchayat and the Mukhya representative of this panchayat also for about 5 years, whatever they are doing for the betterment, upliftment, progress and development of this common people and the common people of this panchayat and this panchayat as well. To know all the things in detail about this beautiful panchayat of this block, Barwadi, please stay with us for the next 10 to 15 minutes. नमस्कार, मैं इस समय ग्रेडी जिले के तिसी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवाड़ी में हूं और इस समय मेरे साथ बाल गोविंद मेहता जी हैं जो कि मुखिया प्रतिनिधि है इस पंचायत। वर्तमान में इनकी पत्नी श्रीमती सुमा देवी जी इस पंचायत की मुखिया हैं और ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज मैं बरवाड़ी पंचायत के भ्रमण पर हूँ और इनके माध्यम से इनकी पत्नी और इनके सौजन्य से जो काम पिछले 5-6 वर्षों से इस पंचायत के विकास के लिए, इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए हो रहे हैं, उन कार्यों से अवगत होंगे। आइए इनका स्वागत करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। पिछले 6 वर्षों से लगभग आपकी पत्नी पंचायत की मुखिया है और आप उनका प्रतिनिधि हैं। बात अगर प्रमुख कार्यों की जाए पंचायत के विकास के लिए, पंचायत की जनता के कल्याण के लिए, कितने संख्या में प्रधानमंत्री आवास का लाभ लोगों तक पहुंचता है? सौ से ऊपर पंचायत में आपने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। ये जो आवास का लाभ दिया गया उसमें कितनी पारदर्शिता बरती गई? पूरी पारदर्शिता बरती गई है ना। कितनी संख्या में शौचालय का लाभ लोगों तक पहुंचा है? कितनी संख्या में? लगभग 1000। तो ये जो शौचालय आपने 1000 लोगों तक पहुंचाया है तो क्या ये आपका पंचायत बरवाड़ी ओडीएफ फ्री है? ओडीएफ फ्री है। श्रीमान, आप ये बताएं कि आपके पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? नाम मात्र छुटा हुआ, सारे काम लगभग हो गए। बाल गोविंद मेहता जी को आप सुन रहे थे, मुख्य प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत बरवाड़ी के तिसी प्रखंड अंतर्गत। ये एक सुदूरवर्ती पंचायत है किंतु ये एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है, विकसित पंचायत है। पिछले 6 वर्षों की अपनी सक्रियता के उपरांत जो काम प्रमुख रूप से इनके सौजन्य से हुए हैं पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए, उन कार्यों से हम सभी को अवगत करवा रहे। मैं इस समय बरवाड़ी पंचायत में हूँ, तिसी प्रखंड अंतर्गत ये एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि बाल गोविंद मेहता जी यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है अगर उनकी बात की जाए तो पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कितना काम करने में आपको सफलता प्राप्त हो पाई? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? पानी की वर्तमान स्थिति अभी ठीक है। कितना कितना चापाकल का बोरिंग हुआ? चापाकल बोरिंग अभी तो लिस्ट ब्लॉक है, लेकिन अभी बिना लिस्ट में कैसे बता। जल मीनार का कितना निर्माण हुआ? जल मीनार 10। सड़कें पंचायत में कैसी है? कितना पीसीसी पथ का निर्माण हुआ और कितना फाइबर ब्लॉक पथ का निर्माण करवा पाए? बिजली की वर्तमान स्थिति पंचायत में जो है उससे आप संतुष्ट हैं? कितना खर्चा बिजली मिल पा रहा है? सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं? जो लाइट्स लगे हैं क्या वो काम कर रहे हैं? शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है? कितने आंगनबाड़ी और कितने सरकारी विद्यालय आपके पंचायत में चल रहे हैं? सरकारी विद्यालय
14 आपके तरफ से सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है? सारा सुविधा दिया गया सर। क्या कोई उपस्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में है? इलाज हो रहा है? एएनएम की नियुक्ति है? पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से आप अवगत हो रहे थे मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बरवाड़ी के माध्यम से। धन्यवाद।